हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप बिजली बिल में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। अगर आपने बिजली बिल में कोई मोबाइल नंबर लिंक किया है और वो नंबर बंद हो चुका है तो उसको कैसे बदल सकते हैं, अगर नहीं लिंक किया है तो आप कैसे लिंक कर सकते हैं, चाहे अपना करें या किसी कस्टमर का करना हो तो कैसे करते हैं बिजली बिल में मोबाइल नंबर लिंक। तो चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सुविधा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका आइकन आपको इस तरह का आइकन नजर आ रहा है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। पहले से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिंक करना है या मोबाइल नंबर को चेंज करना है। सिंपली आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, मोबाइल नंबर या ईमेल रजिस्टर एवं अपडेट करना। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जिस भी कस्टमर का इसमें बिजली बिल डालना है उसका सीए नंबर डालना है। सीए नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको फेच डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम डाल के इस पर क्लिक करते हैं। डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अपडेट मोबाइल और अपडेट ईमेल। चूंकि हमें अपडेट मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो सिंपली हम अपडेट मोबाइल पर क्लिक कर देंगे। अपडेट मोबाइल पर क्लिक करने के बाद अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा तो आपको यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर इसमें शो कर जाएगा। अगर अब वो नंबर बंद हो चुका है या आप नंबर किसी भी नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर दिया गया है इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज द रजिस्टर मोबाइल नंबर, सिंपली क्लिक हियर, यानी यहाँ क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको नया मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिस पर एक ओटीपी जाएगा, तो वो मोबाइल नंबर आपको टाइप करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर देगा, यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसको इसमें भर देना है। तो चलिए हम ओटीपी को भर देते हैं। ओटीपी भरने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योर फॉर्म नाउ विल बी सबमिटेड, यू कैन प्रेस कैंसिल बटन। तो यहाँ पर आपको कैंसिल नहीं करना है, यहाँ सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपका डिटेल जो है वेरीफाई लेगा। वेरीफाई लेने के बाद जो है आपका सर्वर हो गया। यहाँ पर लिख रहा है सक्सेस, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर जो है आपके सीए नंबर आपके बिजली वाले नंबर पे आपका ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी बिजली नंबर का मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं या मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।